तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। तो जैसा कि कयास लगाए बैठे थे पांडा गेंगाले के, आज बॉम्बे कैसे ना कैसे पंजाब को हरा दे और उनको लक मिल जाए और अगले वो क्वालिफाई के मैच खेल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि आज बॉम्बे बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है और काफी ज्यादा मार्जिन से हारी है, जिसका अब पॉइंट तालिका के अंदर पंजाब आ चुकी है और टॉप थ्री के अंदर जाने के बाद अब उनके कल से मैच स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब सीधा सीधा दिख रहा है कि अब आने वाले मैचों में पांड्या गैंग किसे सपोर्ट करते दिखेंगे, वो तो ग्राउंड में दिखेगा, लेकिन अब बेंगलोर की टीम आपको ईसीएल से बिल्कुल बाहर होते हुए आज आपने देखी होगी। तो अब देखते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, उनके क्या होंगे जवाब, क्योंकि बिना मुनव्वर के लक जो है ना मुनव्वर फारूकी का, वो कहीं ना कहीं बॉम्बे के साथ था जब से वो गए हैं, अब थोड़ा सा डाउन ही चल रही है बॉम्बे की टीम। तो काफी थकावट थी जीतने के बाद, काफी आपने एंजॉय किया उसके बाद, कहा कि लगातार जो मैच जीत रहे थे, आज का परफॉर्मेंस देख के तो काफी मजा आ रहा है, तो आप भी सेलिब्रेट करके फिर थकावट की तरफ जाओगे अगले मैच की तरफ, या आप पूरा सीरीज होकर आराम करोगे? आप अब कोई आराम नहीं करना, जिस जज्बे के साथ हम उतरे हैं, जिस जज्बे से जीते हैं, वो जज्बा आगे कंटिन्यू करके जाना और हराना है। अब कॉन्फिडेंस वापस आ गया टीम में, क्योंकि दो हार के बाद थोड़ी निराश हो गई थी टीम, थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी, बट आज जैसी परफॉर्मेंस की है, मैं जितनी तारीफ करूँ ना कम है पूरी टीम की, सब बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अर्शद को आज आप ओपनिंग भी कराई है, काफी चेंजेस भी की है और काफी अच्छी बॉलिंग भी करी है, तो प्लानिंग पहले से थी कि अर्शद को भी ये हमने पहले कर ली थी प्लानिंग हमारी टीम में, कि पहले अर्शद को ओपनिंग पे देंगे और बॉलिंग करवाएंगे इस बारी, तो इसीलिए पहले सब कुछ प्री प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऑन द गो करके कुछ कर रहे हैं। 100 आपकी टीम से भी आ गया, काफी अच्छा लगा, और अब लग रहा है कि जो आगे मैच होने वाले काफी टफ और काफी अच्छे होने वाले हैं, तो बैटिंग के बारे में कुछ बताएं कि अब बॉल लगने लगी है फुटबॉल जैसे जैसा आप खेल रहे हो आप? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जो था आज शुरू में थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद जो बॉल है वो अच्छा दिख रहा था, बैट पे अच्छा आ रहा था, टाइम लेने के बाद इजिली जो मेरे शॉट्स थे वो मैं इजिली खेल पा रहा था। लेकिन जो आने वाले मैच है, या तो आपके लखनऊ बॉम्बे दोबारा भी हो सकता है, या फिर एलवी यादव हरियाणा एंटर के साथ, तो तीनों के लिए अब तैयारी है फुल? हाँ, फुल पावर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपके जीत से जो है आज फुकरा बाहर हो गए हैं, कभी खुशी कभी गम, काफी लिए उन्होंने हमारे बहुत ज्यादा, और हम रात को बैठ के बात कर रहे थे कि मैच के बाद हम हारने या फीफा खेल रहे थे, मैंने कहा तुझे फीफा में तो हराता हूँ, तुझे क्रिकेट में तो कल मैं जीत नहीं पाया, तुम यही बात कर रहे थे कि या तो हम बाहर होंगे या तो तुम अंदर होंगे, आज जब इसको जाके मजे में होटल में, बट वो चेक आउट कर चुके हो, चेक थैंक्स टू आवर बॉयज, फुकरा भाई का चेक आउट करा दिया और ईसीएल वालों को थोड़ा पैसा। लेकिन फुकरा भाई तो बुरा मान जाए, किस बात में बुरा मान भाई, आपने लीग से बाहर करवा दिया। नहीं यार, गेम है यार, अगर हम भी बाहर होते तो हम बुरा थोड़ी मानते, मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बहुत खुश लग रहे थे वो कि यार अब तो बस पंजाब, वो मैं बता रहा हूँ, वो 5:30 बजे से पहले खुशी हुआ, उसके बाद आधे घंटे बाद उदास हो गया। अभी फिर आगे क्या प्लानिंग है, मतलब कैसे देख रहे हो, और आपके भी 2-3 दिन बचे हुए हैं? जी अभी हम जो जिस स्ट्रेटजी के साथ उतरे थे, जिस लाइनअप के साथ उतरे थे, जिन चीजों के साथ उतरे, जिन मोटिवेशन के साथ उतरे थे, हम वही कंटिन्यू करेंगे और हम उसी को आगे लेके जाएंगे। मे बी इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से होगा। फाइनल में कैसे देख रहे हैं? फाइनल में किसे देख रहे हैं? अभी लखनऊ को देख रहे हैं। अपने साथ या? अपने साथ ही भाई। आपके साथ ही हाँ। तो ओके, थैंक यू।